दोस्तों, दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और हम सबके घर में एक कोना ऐसा होता है जहां सीलिंग फैन की हवा उस कॉर्नर में नहीं पहुंचती। काफी लोगों के ऑफिस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफिस या शॉप होती है, तो उसके लिए आज एक तुम्हारा भाई प्रोडक्ट लाया है कि पहले अनबॉक्सिंग कर। तो अब मैं आपको इसको सेटअप करके दिखाता हूँ। इसमें से टोटल एक्सेसरीज निकलती हैं जिसको हमें खुद असेंबल करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये भाई हमें खुद करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से दिखाया जाए आपको। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, बॉक्स में आपको यूज़र मैनुअल नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी सिंपल सी रहेगी इसकी, इसको असेंबल करना। तो सबसे पहले हमें निकलता है एक ये स्टैंड, ये आपका निकलता है मोटर, ये है जो ये नीचे रखा जाएगा, इसके ऊपर आपका स्टैंड लगेगा। ये एंड ये सामने की दो ड्रिल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर दिखे। थोड़ा कैमरा और क्लोज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा मस्त आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इस तरह लगेगा इधर इस पाइप पर। और आपको ये ध्यान रखना है, जिस तरह ये नीचे बोल्ट है इसको ओपन करना है ताकि हम इसको इसमें लगा पाएं। वो आपको मैं सब करके दिखाऊंगा, ए टू जेड। आप देखते रहिए, वीडियो आराम से देखनी है, पूरी देखना वीडियो। ओरिजिनल जो अनयूज्ड होगा वो आपको इस तरह का दिखेगा। इसको हम इस तरह रखेंगे एंड अब हम इसको यहां से लगा देंगे इस तरह, ये पूरा टाइट। फिर आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, और ये आपको किसी चीज़ की चाबी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ये स्टैंड को ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमाना है, और ये रेडी। एक बार ऐसे एक्सटेंड, हल्का सा एक्सटेंड, और इसको हम इसमें डाल के पूरा कस देंगे। और भाई काफ़ी भारी मोटर है, मेरे हिसाब से 2.5 या 3 किलो की तो होगी। अभी चेक करता हूँ, अभी वेट स्केल मेरे को पता नहीं है किधर है। तो अब ये एकदम अच्छे से लग गया है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, बड़े प्यार से हमने इसको लगा दिया है। अगर ख़रीदने के बाद आपको फिर भी समझ ना आया तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ट्यूटोरियल फिर भी बता दूंगा आपको एक बार अलग से। अब हम जो अपना ये फ़ैन लगाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले ये ओपन करना है। इसको करा हमने ओपन, इसकी ग्रिल है, इसका ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये ग्रिल एक अलग से है उठाने वाली, इसको बाहर की साइड रखना है इस तरह। और ये इसी तरह लॉक बने हुए हैं, उसी तरह ये प्यार से लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रिल को लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह आपको ये दो डॉट्स हैं, मतलब उसी तरह की शेप बनी हुई है, उसमें करने के बाद यहाँ पर वापस इसको कस देना है। अब ये थोड़ा सा निकालने का झंझट है इसका, इसको निकालना है बस। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वैसे ओपन ना हो तो मेरी तरह प्लास से पकड़ के ओपन कर लीजिएगा। एंड अब अपना फैन लगाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे इसमें एक शेप भी दे रखी, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये लॉक है। इसका लॉक के लिए आपको इसी एंगल से लगा के दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे को एक फ़ैन चाहिए भी था, तो मैंने कहा चल मंगा लेता हूँ और वीडियो भी बन जाएगी। तो ये देखिए कितने प्यार से फिट हो गया है और कितना अच्छा भी लग रहा है। अब इसको सेम हमने इसी तरह लगाना है, लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो क्या होगा, टाइट। ये लगाना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ये वाला काम, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। इस तरह देखिए, अब मैंने इसको एकदम अलाइंड एंगल से लगाया है, अब इसको मैं कसूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा, तो बिल्कुल परफेक्टली। अब इसको टेस्ट करने की बारी आ गई है, तो इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ओह वाह, ओ भाई मजा आ गया कसम से, मजाक नहीं कर रहा। ये चीज मैंने खरीदी है तो ये मत सोचना कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत प्यारा एयर फ्लो है इसका, बहुत ही मतलब साइलेंट भी कह सकते हैं इसको हम। मैं अगर आपको अपने पंखे से सुनाऊं कंपेयर करके, तो
तो बहुत ही मतलब साइलेंट फील हो रही है। अब ये नंबर वन पे है, अगर मैं इसको अब नंबर टू पे करूं तब देखते हैं नंबर टू पे कैसी स्पीड है इसकी। ये नंबर टू, वाह मजा आ गया। अब ये मैक्स नंबर थ्री, थोड़ा आगे करता हूं इससे। ब्यूटीफुल भाई, एक तो दिखने में भी अच्छा है ये फैन, पेडिस्टल फैन कहते हैं वैसे इसको, या फिर हम देसी भाषा में बोले फराटा। कसम से भाई हवा जो दे रहे हैं ना इस वक्त ये बहुत अच्छी है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयर थ्रो है इसका। और अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करी जाए तो इसमें मेरे को सिर्फ प्रोज दिख रहे हैं भाई, कॉन्स तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। काफ़ी लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, बोले हमें मेटल का चाहिए मेटल का चाहिए, एक्चुअली मेटल से ज़्यादा ड्यूरेबल प्लास्टिक होती है इन सम केसेस। एंड प्लास्टिक वैसे यार देखो गिरना तो नहीं चाहिए ये, लेकिन जब कोई हो घर में शरारती बच्चा तो वो गिरा सकता है इसको। तो ये प्रोडक्ट तो भाई अप्रूव है। अब मैं खाऊंगा इससे हवा, और आपको क्या करना है, आपको करनी है वीडियो लाइक, कमेंट करके बताना आप मेरे को ओरिएंट पेडेस्टल फैन, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना जेन्युइन रिव्यू देना। एंड नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी, अब भाई गर्मी आ गई, अपना ध्यान रखो, पंखे वंखे खरीदो, एसी खरीदो, एसी की वीडियो बनाते हैं यार, चलो एसी की वीडियो बनाते हैं अब।